बताइए जिन साहब। एक बेहतरीन कंपनी अनिल जी, और ये ऐसी कंपनी है जिसको शायद टीवी स्क्रीन पे फर्स्ट टाइम मुझे याद है कि मैंने रेकमेंड किया था, और अपनी पुरानी पारी थी अनिल जी, और उस टाइम पे बहुत ही एक छोटी कंपनी हुआ करती थी, और वो नाम है एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज। और सबसे बढ़िया बात क्या है, ये एक एशियन पेंट्स की डिवीजन के हिसाब से शुरू हुई थी, और मिस्टर अतुल चौकसी जो फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर थे उस कंपनी के, एशियन पेंट्स के, वो इसके फाउंडर है, और ये स्पन ऑफ हुई, फिर उसके बाद एक अलग कंपनी बनी, और ये वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स है इंडिया के अंदर सिंथेटिक इमल्सन पॉलीमर्स में, और ये जो सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक लेटेक्स, इनमें ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। सेप्टेम्बर का क्वार्टर जो है वो बेस्ट ऑफ लास्ट 5 क्वार्टर्स था। जो सबसे बढ़िया बात लगी, बीच में कुछ इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं इंटरनेशनल कंपटीशन की वजह से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है इनको, तो उसकी वजह से थोड़े बहुत रिजल्ट्स में हुआ था, तो प्री कोरोना ही इनका थोड़ा हल्का था, बट मैंने देखा कि पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने नेगेटिव परफॉर्मेंस दिया है। सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट, अगर 2018 के लेवल्स पे एक ऐसी पेडिग्री वाली, ऐसी बेहतरीन कंपनी, मार्केट लीडर अगर मिलता है तो बिल्कुल लेना चाहिए, और ये नाम बहुत मुझे बढ़िया लगता है। मैंने पहले भी जब रेकमेंड किया था उसके बाद ये मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं, और ये बाद में कॉर्पोरेट एक्शन के बाद और स्प्लिट के बाद और भाव नीचे आ जाते हैं, बट ओवरऑल लास्ट 3 ईयर्स की नेगेटिव प्राइस के बाद और रिजल्ट्स इतने बढ़िया, सितंबर का क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद, और नेट डेट फ्री कंपनी, ओवरऑल डेट्स बहुत कम है, सो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए, और ये आराम से ये स्टॉक जो है मुझे लगता है यहाँ से बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है आने वाले 6 से 9 महीने। कम से कम थोड़ा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि अब मार्केट ऐसे लेवल पे है, बट स्टिल इस स्टॉक में स्कोप है, मुझे लगता है 200 रुपए के टारगेट के लिए स्टॉक को